प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा पंचमी की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपके पुस्तक है अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन कक्षा पाँच की। ये है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस में देखिए कितने पाठ हैं, 25। आज हम पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं, रिश्तों की समझ। देखिए, पहला पाठ है रिश्तों की समझ। इस पाठ में संयुक्त परिवार, एकल परिवार के बारे में बताया गया है कि संयुक्त परिवार में किस प्रकार से बच्चों की परवरिश होती है, एकल परिवार में किस प्रकार से बच्चों की परवरिश होती है, परिवार में कितने सदस्य होते हैं और किस कारण से संयुक्त परिवार है जो एकल परिवार में बदल रहे हैं, किस कारण से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ एक, रिश्तों की समझ। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतने उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे, आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मध्यांतर यानी विश्रांति में दोनों वापस बैठते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। सलमा को कह रही है, हाँ संजना, अब बताओ माँ को क्या हुआ? संजना कह रही है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा पूछ रही है वापस, डॉक्टर को दिखाया? तो संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। इसका मतलब क्या हुआ? सलमा का परिवार एकल परिवार है और संजना का परिवार संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं और एकल परिवार में माताजी, पिताजी, भाई और बहन रहते हैं। ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हो, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। चलिए अब ये तालिका आपको कॉपी में इसी किताब में ही पूर्ण करनी है। जैसे दादाजी, कई परिवारों क्या है कि गांवों से शहर की ओर आ गए, तो दादाजी दादी जी मान लो गांव रह रहे हैं, आप लोग शहर में रह रहे हो, तो उनका जो दादाजी अगर साथ रह रहे हैं तो लिखना है, नहीं रह रहे हैं तो कहीं और रह रहे हैं तो उस स्थान का नाम आपको लिखना है। जैसे दादाजी है तो आपके साथ रहते हैं या कहीं और, तो साथ रहते हैं तो लिखना है साथ रहते हैं, गांव रह रहे हैं तो उस गांव का नाम लिखना है। इसी प्रकार से दादी जी का, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी और चाची जी के बारे में आपको लिखना है कि आपके साथ रह रहे हैं या कहीं और, ये आपको सारणी किताब में ही करनी है। आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। संयुक्त परिवार में कौन होगा? माता पिता ही होंगे, तो बच्चों का पालन पोषण वही करेंगे, उनको संस्कार देने का कार्य काम है तो वो ही करेंगे। संयुक्त परिवार में दादाजी दादी जी रहते हैं तो छोटे बच्चे दादाजी दादी जी उनका पालन पोषण करते हैं, उन और उनको रोज कहानियाँ सुनाना, उनको संस्कार देने का कार्य वो दादाजी और दादी जी करते हैं। अब देखिए, ये आप लोगों को अपने घरों के आसपास यानी कि आपके पास आस पड़ोस में रहते हैं उनका एक
मूल्यांकन करना है, जैसे आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, तो कॉपी में करना है आपको, देखना आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, परिवार के मुखिया का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। फिर देखना है आपको इनमें एकल परिवार कितने हैं, यानी कि जिसमें माता पिता भाई बहन रहेंगे वो सब एकल परिवार है, जिसमें दादाजी दादी जी रह रहे हैं वो क्या है, संयुक्त परिवार है। तो आपको देखना है इनमें एकल परिवार कितने हैं। फिर अगला है उनके घर में कितने कितने सदस्य हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है, इनमें से संयुक्त परिवार कितने हैं, उनमें कितने कितने सदस्य हैं, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है। संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करता है, यानी कि संजना का परिवार संयुक्त है तो उनके माँ की देखभाल कौन कर रहा था अभी, तो दादी जी और ताई जी। अगर एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता, या तो पिताजी करते या संजना खुद करती। इस प्रकार से ये पांचों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। एक आपको अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाना है, जैसे देखिए संजना के बना हुआ है, संजना जगदीश उसके पिताजी का नाम है, मोतीलाल दादाजी का और अनदा राम उनके परदादाजी का, ये तो दादाजी के घर का वंश वृक्ष है। इधर देखिए संजना स्वयं, रितु माता जी, कमला नानी जी और धापूबाई पड़नानी जी। तो इस प्रकार से आपको भी वंश वृक्ष बनाना है स्वयं का, एक पिताजी दादाजी और परदादाजी, एक माताजी नानी जी और पड़नानी जी का, पूछ करके आप नाम लिखेंगे और वंश वृक्ष तैयार करेंगे। अब आप भी अपने परिवार के पिता व माता दोनों ओर के सदस्यों की सहायता से वंश वृक्ष बनाइए, तो आपको भी कॉपी में बनाना है वो पांच प्रश्न और वंश वृक्ष दोनों आपको कॉपी में करने हैं, और सारणी बताई थी वो आपको किताब में भरनी है। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते, पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए सोचिए और बताइए सलमा के पिताजी ने क्या उत्तर दिया कि भाई क्यों गांव छोड़कर क्यों शहर की ओर हमें आना पड़ा, ये क्यों लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ जाते हैं। तो देखिए आजकल व्यवसाय की तलाश या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव। तो यह है संयुक्त परिवार से एकल परिवार बनने के कारण, गांव से शहर की ओर क्यों आने लग गए हैं, उच्च शिक्षा पाने के लिए व्यवसाय की तलाश में लोग क्या करते हैं शहरों से गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्यों बंटने लगे हैं। मान लो शहरों में तो छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें क्या होता है कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार एकल परिवार में बंटने लग गए हैं। इसके अलावा परिवार में सदस्य संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो परिवार एकल परिवार में बंटने लग जाते हैं, सबकी आदतें अलग होती है, सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में क्या होता है निरंतर बदलाव आने लग जाता है, सदस्यों का व्यवहार आदतें सब अलग अलग होती है, इसलिए संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में बंटने लग जाते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए, ये प्रश्न हम करवाएंगे आपको, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या अंतर है, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। चलिए अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहारों पर या कभी नहीं। नाना जी नानी जी के क्या आप इनके साथ रहते हैं या कब कब जाते हैं, रहते हैं तो लिखिए इनके साथ रहते हैं, नहीं रहते तो डेट छोड़ दो, और कब कब जाते हो वो लिखना है। इसी प्रकार से दादाजी दादी जी के साथ और कब कब जाते हो, चाचा जी चाची जी के साथ रहते हो या कब कब जाते हो,
बुआ जी फूफा जी के साथ रहते हो या कब कब जाते हो वो लिखना है। मौसा जी मौसी जी के साथ रहते हो या कब कब जाते हो, तो ये सारणी भी आपको किताब में ही भरनी है। गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए। बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? योगी, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन, यह पहले तो तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? योगी कह रहा है, यह हमारे घर में नहीं आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरी माता पिता की लड़की है। इस तरह यह मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। गोद लेना क्या होता है? किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। सोचिए और बताइए, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं तो आपकी माँ 2-3 दिनों के लिए बाहर जाती है, तो आप तब आप कैसा महसूस करते हो? जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। तो जैसे ये जिनके माता पिता नहीं होते उनके लिए आश्रम होते हैं, वहाँ उनके रहने की खाने पीने की सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था, वो सारी जिम्मेदारी उन आश्रम या छात्रावास के जो संरक्षक होते हैं उन्हीं की होती है। आपको आज क्या क्या काम करना है, पार्ट एक लगा करके सारणी आपको कॉपी में भरनी है। इसके अलावा जो 5 प्रश्न, पड़ोस में कौन कौन रहते हैं, एकल परिवार कितने हैं, संयुक्त परिवार कितने हैं, इनमें सदस्य संख्या कितनी है, वो वाले प्रश्न आपको करने हैं, और अपने अपने परिवारों का वंश वृक्ष आपको कॉपी में बनाना है। धन्यवाद।